नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरस्वती इंग्लिश रीडर क्लास 5 के लिए लेसन नंबर 6 जिसका नाम है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग की एक्सरसाइज को हम सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक की वीडियो देखें। देखिए, यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, वोकैबुलरी में प्रैक्टिस दीज वर्ड्स मीन्स इन शब्दों का अभ्यास करें एंड नो दियर मीनिंग्स और इनकी मीनिंग्स मीन्स अर्थ को जानें। तो सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहला है INTRO मीन्स इंट्रो, DUCTION डक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय मीन्स किसी का पहचान कराना। ठीक है, तो सिंपली वे में आपको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बड़ी मीनिंग को दो भागों में बांट देना है, जैसे इंट्रोडक्शन को हमने दो भागों में, इंट्रोडक्शन आप इजी वे में याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गुड्स GOODS जिसकी स्पेलिंग बहुत सरल है, गुड्स मीन्स होता है माल या सामान, है ना, जो हम दुकानों में माल सामान लाते हैं वही गुड्स होता है। इसके नेक्स्ट देखिए SEND सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, बहुत सरल है। और इसका दूसरा भाई है पास्ट फॉर्म में, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है सेंड, इसका पास्ट फॉर्म होता है जो बीते गए समय में होता है सेंट, सेंट SENT सेंट मीन्स होता है भेजा। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है। इसका देखिए ओबलाइज OBLIGE ओबलाइज मीन्स होता है कृपा करना, क्या करना, कृपा करना। इसकी दूसरी मीनिंग होती है फेवर, FEVER फेवर। ठीक है, कृपा करना, तो ओब्लाइज OBLIGE बिल्कुल सरल है। इसका देखिए सिक्योरली SECU सिक्योरली RELY सिक्योरली, सिक्योरली मीन्स होता है सुरक्षा के साथ। ठीक है, सिक्योर से बना है सिक्योरली, LY जोड़ देंगे तो सिक्योरली हो जाता है, ली का मतलब क्या होता है LY, सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षा और सिक्योरली मीन्स होता है सुरक्षा के साथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिसीव्ड, RE RE received CEIPT received मीन्स होता है प्राप्त किया, ये भी आपका पास्ट फॉर्म में है तो प्राप्त किया। ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है रिसीव, RECIEVE रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना और रिसीव्ड होता है प्राप्त किया। इसका देखिए नेक्स्ट देखिए सब्सक्रिप्शन, सब्स SUBS सब्सक्रिप्शन CRIPTION सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है अंशदान, क्या अंशदान मीन्स कोई चीज़ होती है उससे जुड़ना या सहयोग देना, वही होता है सब्सक्रिप्शन अंशदान। जैसे आप अभी YouTube भी देख रहे हैं तो उसमें एक बटन होगा सब्सक्राइब का, है ना, उसी से बना है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो उसको बटन आप दबाएंगे तो एक तरीके से हमारे चैनल में सहयोग कर रहे हैं और वही शब्द कहलाता है अंशदान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन, बाहुबली फिल्म आई थी उसका जो सेकंड फॉर्म था वो था बाहुबली द कंक्लूजन, यही था ना, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष मीन्स परिणाम, जिसको हम शुद्ध शब्द बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन, कन की स्पेलिंग होती है CON, क्लूजन की होती है CLUSION कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है थ्रू, THROUGH थ्रू, क्या बोलते हैं थ्रू, थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से या के जरिए, है ना, तो थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से या किसी के जरिए से। ठीक है, थ्रू THROUGH हालांकि ROUGH को रफ बोलते हैं, रफ मीन्स होता है भद्दा, TH शुरू में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा थ्रू, बहुत सरल है। तो सभी मीनिंग हमने बता दी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्लीज चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के लिए लाइक जरूर करें, लाइक से हमें ताकत मिलती है और हमें लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और हमारा पढ़ाने का तरीका सही है। इसके बाद कुछ कमी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, फिर इसके बाद कमेंट कर देना यदि कोई आपके क्वेश्चन है, कोई डाउट या संदेह है। इसका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यदि आगे की वीडियो आप कंटिन्यू पाना चाहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के तहत जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर करना, क्या अंतर करना, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर करना, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, बिटवीन दो लोगों के बीच में अंतर करने के लिए यूज होता है और जब दो से अधिक लोग होते हैं तो एमंग का यूज करते हैं, AMONG। ठीक है, जब दो लोगों के बीच अंतर करना है तो बिटवीन और दो से अधिक लोगों के बीच अंतर करना है तो एमंग, ठीक AMONG। अब देखते हैं दो शब्द किन के बीच अंतर करना है, एक ये आपका हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये सेट, चौथा ये, पांचवा आपका ये आया, छठा ये। अब देखो यहां प्रोनाउंसिएशन सबके एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग है। नीचे से आइए WEEK इसको क्या बोलते हैं वीक, WEEK वीक और WEAK ये भी वीक, लेकिन इसकी मीनिंग होती है वीक मीन्स होता है सप्ताह, WEEK का मतलब होता है सप्ताह, जो हम दिन गिनते ना वही WEEK है, और इस वीक का मतलब होता है WEAK कमजोर, क्या कमजोर। ठीक है, तो स्पेलिंग चेंज तो मीनिंग भी चेंज, बस बोलने का तरीका एक होता है। इसके बाद देखिए यहां पर है PEOPLE
पी ई ओ पी एल ई और यहाँ है पी यू पी आई एल, दोनों को बोलेंगे पीपुल, ठीक है। इस पीपुल का मतलब होता है लोग, पी ई ओ पी एल ई का मतलब होता है लोग, और इस पीपुल का मतलब होता है शिष्य, पी यू पी आई एल का मतलब होता है शिष्य, ठीक। इसका नेक्स्ट आइए, यहाँ पर है एच ए आई आर हेयर, एच ए आर ई हेयर, दोनों को बोलेंगे, लेकिन इस हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक। इस हेयर का मतलब होता है बाल और इस हेयर का मतलब होता है खरगोश, जिसको हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं हरे, है ना, जिस तक की स्पेलिंग है, तो इस मतलब होता है खरगोश। इसका देखिए, इसके बाद नीचे आइए, एस ओ यू एल सोल मीन्स होता है आत्मा, ठीक है, और एस ओ एल ई इसका मतलब होता है आपका क्या, नया, कुछ हटके, एस ओ एल ई कुछ नया या हटके, ठीक। इसके बाद देखिए एफ ए आर ई और एफ ए आई आर, इन दोनों को बोलते हैं फेयर, लेकिन एफ ए आर ई का मतलब होता है आपका क्या होता है, किराया। आपने स्टेशन में देखा होगा ना, फेयर इंक्वायरी, वही होता है किराया, ठीक। एफ ए आई आर का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा या सर्वोत्तम, एफ ए आई आर का मतलब होता है बहुत अच्छा या सर्वोत्तम। इसके बाद देखिए अब क्या बचा, यहाँ बचा ये वाला डी डबल ई आर, डियर बोलते हैं, इस डियर का मतलब होता है हिरन, और डी ई ए आर का मतलब होता है प्रिय या प्यारा, याद रखिएगा। तो सभी कंप्लीट हो गए, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, कमेंट भी कर दीजिए। देखो अंत तक की वीडियो देखो, एक ही बार देख लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं कंप्रीहेंशन के तहत। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द हेड्स अंडर व्हिच ए लेटर्स रिटन, इसका मतलब होता है लिखें, डाउन द हेड्स नीचे लिखें, जो आप लेटर लिखते हो, एक पत्र लिखते हो, तो उसके हेड्स में मीन्स ऊपर और उसके नीचे अंडर क्या लिखते हैं। तो हम आपको बता दें, जब हेड्स मीन्स लेटर लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर आपको डेट लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं और इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ये तो हेड्स की बात हुई, वहीं अंडर की बात करें, पत्र को समाप्त करने के दो लाइन पहले क्या लिखते हैं, आप लिखते हो, क्या लिखते हो, सब्सक्रिप्शन लिखते हो और एड्रेस लिखते हो, है ना, बस यही कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, वाट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर दियर इन यूज, वाट टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स मतलब होता है प्रकार, इसको दूसरे शब्द बोलते हैं काइंड्स, इसका मतलब भी होता है प्रकार। तो वाट टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर एक पत्र के कितने प्रकार होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, एक पत्र को कितने तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो हम आपको बता दें आपके लेसन में टू टाइप्स के लेटर बताए गए हैं, टू टाइप्स के। तो यहाँ जवाब क्या होगा, देयर आर इन यूज टू टाइप्स ऑफ लेटर, पहला इनफॉर्मल, क्या होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर किनको लिखे जाते हैं, जो हमारे खास होते हैं, अपने होते हैं, अपनों में कौन कौन आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं मीन्स रिश्तेदार, और दूसरा फ्रेंड्स आते हैं, ठीक, ये होते हैं, इनको छोड़ करके जितने लेटर लिखे जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल, ठीक, फॉर्मल। अब फॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ध्यान दें, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, सॉरी इनफॉर्मल का मतलब होता है आपका, इनफॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और फॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, याद रखिएगा, ठीक। चलिए बढ़